हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित अकबानहेड़ा गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान अतुल कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में 150 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 230 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, 8 खडंजा, कुल में शौचालय, शमशान घाट व मंदिर में 15 बेंचों का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 38 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 8 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 60 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 15 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सीसी रोड, पशु चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पिताजी डॉक्टर जगपाल सिंह, गांव अकबानहेड़ा, डाकखाना सरसावा, ब्लॉक सरसावा, तहसील नकूड़, जिला सहारनपुर बोल रहा हूँ। हमें अपने गांव में 15 सौर ऊर्जा लगवाई है, जबकि 20 की और आवश्यकता है। 4 सीसी सड़कें कराई हैं, बाकी और भी गांव में उनकी आवश्यकता है, काफ़ी वैसे ही पड़ी हैं। 8 खड़ौंजे कराए हैं जो नए सी उसमें हुए हैं, और 15 बेंच जो एक आध दिन में लग जाएंगी आ चुकी हैं। और वो तो होगी, और हमें 5000 की हमारे गांव की आबादी है, जिसमें एक स्वास्थ्य केंद्र की अति आवश्यकता है, वो भी की उसकी भी मांग है। और 2 हमारे यहाँ स्कूल हैं, एक प्राइमरी, एक जूनियर। जूनियर में हम बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग होगी उसकी, उसको दोबारा बनवाना चाह रहे। और दूसरी बात यह है कि लड़कियों का है हमारा जूनियर हाई स्कूल, उसे हम इंटर या हाई स्कूल कराना चाह रहे, जिससे यहाँ आसपास कोई भी सरकारी लड़कियों का स्कूल नहीं है, गरीब बच्चे कैसे पढ़ सकें प्राइवेट में। सब यहाँ से करीब करीब 10-12 किलोमीटर के एरिया में ऐसा स्कूल नहीं है जो जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकें सरकारी। उससे ज़मीन हमारे पास है, बिल्डिंग की कमी है, मान्यता की कमी है। सरकार से अनुरोध है कि हमें मान्यता दी जाए, जिससे गरीब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ सकें। एक वो पशु के लिए भी यहाँ कोई भी वो नहीं है हॉस्पिटल उसके लिए, और जगह हमारे पास है, और न ही ह्यूमन के लिए कोई हॉस्पिटल है। 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, रात में कोई दिक्कत आ जाती है, बड़ी परेशानी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये दोनों सुविधाएं भी हमें मिलनी चाहिए। पेंशन कुछ विकलांग पेंशन बनी हुई है, कुछ बनी हुई नहीं है, कुछ वृद्धा पेंशन बनी हुई है, कुछ बनी हुई नहीं है, और विधवा पेंशन की भी यही हालत है, कुछ बनी ही नहीं है। राशन कार्ड की ये हालत है, 5 साल से कोई राशन कार्ड है ही नहीं, गरीब आदमियों को राशन नहीं मिलता। पुराने उस पर किसी उस पर वो दे भी दे थोड़ा बहुत, तो अनियमितता ही हो रही है। इसमें सही राशन कार्ड बन जाने चाहिए, सही आदमियों को राशन मिलना चाहिए, ये धांधलेबाजी खत्म होनी चाहिए।